निवेदिता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक चरमपंथ को नेस्तनाबूद करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बौखला गए और भारत में हजारों की तादाद में मुस्लिमों को जुटाकर फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन करवा दिया। लेकिन क्या आपको पता है, जिस वामपंथी इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने विरोध प्रदर्शन किया, कभी उसी मैक्रोन की चुनावी जीत पर कांग्रेस नेताओं ने खूब दिल खोलकर बधाई दी थी। दरअसल साल 2017 में जब फ्रांस में चुनाव हो रहा था तो उस वक्त इमैनुअल मैक्रोन और दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की उम्मीदवार मरीन ली पेन आमने सामने थी। लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली दक्षिण पंथी नेता मरीन ली पेन ये चुनाव हार गई और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। मैक्रोन की इस जीत पर कांग्रेस की ओर से बधाइयों की झड़ी लग गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने दक्षिण पंथियों पर तंज मारते हुए ट्वीट किया था कि इमैनुअल मैक्रोन को उनकी शानदार जीत पर बधाई। फ्रांस के लोगों ने बता दिया है कि डर और नफरत से कभी भी प्रगति हासिल नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा था कि भगवान शुक्रिया कि एक मॉडर्न सेक्युलर लिबरल ने आखिरकार मोदी और ट्रंप के बाद एक ग्लोबल राइट विंग ताकत को रोक दिया। मिस्टर मैक्रोन, आपको बधाई। फ्रांस के राष्ट्रपति की तारीफ में किए गए दिग्विजय सिंह के इसी ट्वीट के बहाने शंकर सान नाम के एक ट्विटर यूजर ने तंज मारा है। अब आपको मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक को मॉडर्न सेक्युलर लिबरल इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन करने से मना करना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने चुनाव में जीत हासिल की तो कांग्रेस नेताओं में जबरदस्त खुशी देखी गई थी। कोई मैक्रोन को मॉडर्न सेक्युलर लिबरल बता रहा था तो कोई इसे डर और नफरत के खिलाफ मिली जीत बता रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि मैक्रोन की जीत के बहाने उन्हें दक्षिण पंथियों पर हमलावर होने का मौका जो मिल गया था। लेकिन अब वही मॉडर्न सेक्युलर लिबरल मैक्रोन कांग्रेस के लिए विलन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इस्लामिक चरमपंथ को खत्म करने के लिए अभियान जो छेड़ दिया है। उनके इस कदम के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भोपाल की सड़कों पर मुस्लिमों को जुटाकर विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मोदी सरकार ने फ्रांस को आतंकवाद और आतंकवाद की मानसिकता से निपटने के लिए समर्थन दिया है और भारत का समर्थन मतलब देश के हर नागरिक का फ्रांस के प्रति समर्थन है। लेकिन इससे हटकर आरिफ मसूद अलग ही राग अलाप रहे हैं, जिस पर भड़के मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा, मैं सोनिया गांधी जी और कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा फ्रांस के खिलाफ और आतंकवाद के समर्थन में किए गए प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। भोपाल के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के द्वारा फ्रांस के खिलाफ रैली का आयोजन करना, प्रदर्शन करना, यानी शुद्ध तौर पर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं? इस प्रकार के प्रदर्शनों में आप साथ में हैं, इसका जवाब उनको दें। बीजेपी के सवालों के बावजूद सड़कों पर फ्रांस के खिलाफ भीड़ जुटाने वाले आरिफ मसूद के खिलाफ ना तो दिग्विजय सिंह ने जुबान खोली और ना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक शब्द कहा। इतना ही नहीं, फ्रांस में इस्लामिक चरमपंथियों ने पहले एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी, फिर चर्च में 3 गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन घटनाओं पर भी राहुल गांधी ने इस्लामिक अतिवादियों के खिलाफ ना तो एक भी बयान दिया और ना ही इस घटना की निंदा की। वैसे आपको बता दें, फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो।